जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सूर्यास्त के बाद मेहमानों की स्वागत नहीं करने की परंपरा को तोड़कर पीएम जेम्स मरापे ने उनके पैर छूकर वेलकम किया। कल हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी की दूरदर्शिता को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन मुरीद हो गए। पीएम मोदी से उन्होंने कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, अमेरिकी नागरिक आपसे मिलना चाहते हैं, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं। हिरोशिमा में पीएम मोदी की तारीफ में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपका सिडनी आगमन हमारे लिए चुनौती बन गया है। सिडनी के होमबश में 20,000 कैपेसिटी वाला हॉल भी आपके प्रशंसकों के लिए छोटा पड़ रहा है। पीएम मोदी देश ही नहीं विदेशों में भी खास लोकप्रिय हैं। G7 समिट में विस्तारवादी ताकतों को उनकी नसीहत हो या फिर परमाणु निरस्तीकरण पर उनके बेवाक संदेश जापानी अखबारों में छाया हुआ है। ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी सुर्खियों में है। युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की दोबारा मुलाकात भी सुर्खियों में रही। पीएम मोदी ने आगे बढ़कर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया। वैश्विक शांति और स्थिरता पर केंद्रित इस सत्र से पहले भी दोनों के बीच कल द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। G7 समिट से अलग बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात, यूक्रेन को $375 मिलियन की सैन्य और मानवीय सहायता देने की घोषणा की। इसमें गोला बारूद के साथ टैंक की नई खेप भी शामिल है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। जापान में ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर बाइडेन ने फिर F-16 फाइटर जेट के लिए यूक्रेनी पायलटों को ट्रेनिंग का वादा किया, लेकिन जर्मनी ने ज़ेलेंस्की को फिर निराश किया। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन को F-16 की सप्लाई में जर्मनी भागीदार नहीं बनेगा। हिरोशिमा में G7 के मंच से ज़ेलेंस्की ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के संकट को हल करने का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कीव की शर्तों पर आधारित होना चाहिए। शांति बहाली के लिए तीसरे मध्यस्थ की भूमिका को भी उन्होंने नकार दिया। हिरोशिमा में G7 लीडर्स ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रूस को कड़ा संदेश दिया। अमेरिका ने कहा कि पूरे G7 के साथ यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश जारी रहेगी। यूक्रेन के समर्थन के लिए ज़ेलेंस्की ने भी G7 का आभार जताया।